स्वागत। दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जोसा काउंसलिंग में कुछ बच्चे को सीट मिल चुका है, उनके लिए ये क्वेश्चन है कि कब तक एडमिशन ले सकते हैं, क्या एडमिशन के लिए प्रोसेस है, इसके बाद सीएसए भी कर सकते हैं या नहीं, तो सारा के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। और अभी वेबसाइट पे एक अपडेट भी है जिसके रिगार्डिंग हम आपको शो कर चुके हैं वेबसाइट पे, तो प्लीज आप मेरी बातों को ध्यान से सुने ताकि आपको सारा अपडेट सही से मिल सके। जैसे ही आपका जोसा का 6 राउंड होता है, अभी आप राउंड 1 में फ्रीज किए हैं, राउंड 2 में करें, राउंड 3 कभी भी करें, राउंड 6 तक आपको जोसा राउंड 6 के बाद ही एडमिशन हो पाएगा। राउंड 6 के बाद एक SAF करके सीट एक्सेप्टेंस फी करके वो पे करना पड़ेगा आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से। उसके बाद वो पेमेंट का रिसिप्ट जो है वो काम आएगा और उसके बाद एडमिशन के लिए हर एक कॉलेज अपना निकाल देगा। उसके लिए कैसे चेक करना है वो कॉलेज का वेबसाइट पर जाना है। कॉलेज का वेबसाइट कहाँ से मिलेगा, तो आप जोसा के वेबसाइट पर ही ई सर्विस में जाएंगे तो वो हमें पार्टिसिपेंट कॉलेजेस का आएगा वहाँ पे। उसमें क्लिक करने से हर एक कॉलेज का लिस्ट आएगा, उसमें हर एक कॉलेज के सामने व्यू मोर इन्फॉर्मेशन करके रहेगा। उसमें क्लिक करने से आपको उस कॉलेज का सीट वैकेंसी रिजर्वेशन फी स्ट्रक्चर कॉलेज का वेबसाइट कॉलेज कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ मिलेगा। उसमें आपको उस वेबसाइट को फॉलो करना है, वो आपको डॉक्यूमेंट बताएंगे क्या लेके आना है, कब आना है, कब तक आ सकते हैं, एक रेंज देंगे 5-10 दिन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भैया हम जोसा में तो ले लिए सीट बट हमको CSAB काउंसलिंग भी करना है, उसके लिए क्या करें, पहले एडमिशन ले लें या फिर CSAB करके करें? तो आपको पहले एडमिशन लेने का जरूरत नहीं है, आप CSAB करें उसके बाद भी आपको समय मिलेगा। अगर आपका कॉलेज चेंज होता है तो फिर नए वाले कॉलेज में जाएंगे, आपका फी जो पहले पे किए वो नए वाले कॉलेज में चला जाएगा, आपको फिर से फी पेमेंट नहीं करना है। अगर आपको सीट दूसरा कोई नहीं मिलता यही रह जाता है तो आप यही कॉलेज में जाएंगे फाइनली। बट CSAB काउंसलिंग में रिस्क बहुत रहता है, इसलिए हम गाइड कर रहे हैं बच्चे को पिछले 5 सालों से इंग्लिश चैनल के थ्रू। अगर आपको चाहिए गाइडेंस आप कर सकते हैं मेरे से कॉन्टेक्ट, ताकि आपको सारा इंफॉर्मेशन सही समय पे मिल सके इसी चैनल पे। और इसके बाद जब मेंटरशिप ले लेंगे आप गाइडेंस, तो आपको पर्सनली हर एक समय पे कॉल कर करके आपको अपडेट दिया जाएगा और आपका सारा काउंसलिंग प्रोसेस चॉइस फिलिंग डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें फी भी आपका लॉस हो सकता है, आपका पहले का अच्छा सीट चला जाएगा, खराब सीट आ जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना पड़े, तो ये सारे चीजों से बचने के लिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। तो आपको चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर एंड इंस्टाग्राम आईडी दिया गया जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कि मेरे काउंसलिंग गाइडेंस में किस तरह से आपको हेल्प मिलेगा, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको यहाँ पे देने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो यहाँ पे आपको जितने भी काउंसलिंग करते हैं अक्रॉस इंडिया सारे के लिए हेल्प दिया जाएगा, डिपेंड करता है कौन से काउंसलिंग लेते हैं उस पर आपका चार्ज, तो वो फिक्स नहीं, एक बार आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको डिटेल में बताया जाएगा। इसमें सारे तरह के काउंसलिंग आप साइड बाई चेक कर सकते हैं, जोसा CSAB जगदरी जग चंडीगढ़ मणिपाल SRM अमृता बिटसेट जितने भी हैं सब कुछ OJEE WBJEE सारा कुछ इसमें आता है। तो आप किसी भी काउंसलिंग के लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कॉलेज सिलेक्शन कॉलेज कंपैरिजन चॉइस फिलिंग कैसे करना है आपको, उसके बाद आपका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए सारा कुछ हम आपको डिस्कस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है मेरे गाइडेंस का, वो 24x7 आपको हमेशा आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं कॉल के लिए, सुबह 10 बजे से मिडनाइट तक हम अवेलेबल रहेंगे, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं। ये चीज़ आपको बाकी के साथ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो लोग आपसे वेबसाइट पर पैसे लेंगे और 4-5 दिन बाद कॉन्टैक्ट करेंगे, बस एक चॉइस फिलिंग लिस्ट दे देंगे।